गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने काइंड्स ऑफ नाउंस चैप्टर शुरू किया था अपनी ग्रामर का तो उसमें आज हम कलेक्टिव नाउंस और कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए एक हमें एक्सरसाइज मिली हुई है तो हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे देखिए पेज नंबर फोर्टीन पर आइडेंटिफाई द कॉमन नाउंस प्रॉपर नाउंस एंड कलेक्टिव नाउंस इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन योर नोटबुक अपने को कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेज में और उन्हें नोटबुक में राइट डाउन करना है तो देखिए फर्स्ट नंबर सेंटेंस शहबाज एंड शीरज ग्रीटेड ईच अदर ऑन ईद देखिए इसमें शहबाज शेरज ईद ये तीनों ही नाउन्स हैं पहले मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी कर लीजिए अपने बुक में ताकि आपको पता चल जाए कि नाउन कौन कौन सी है फिर हम इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे नंबर टू आलोक सा अ फ्लक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई सा अ फ्लक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई इसमें आलोक फ्लक बर्ड्स स्काई ये नाउंस हैं नंबर थ्री नीलेश हैज क्लास टेस्ट ऑन मंडे नीलेश क्लास टेस्ट मंडे ये नाउंस है नंबर फोर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन ये नाउंस हैं नंबर फाइव एम एस धोनी वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम विच वन द वर्ल्ड कप एम एस धोनी कैप्टन टीम वर्ल्ड कप ये सारी नाउंस हैं नंबर सिक्स द मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी बिलियंस स्टार्स ये सब नाउंस है सेवन नंबर बिग बैन इज़ अ क्लॉक टावर इन लंडन बिग बैन जो है वो लंदन में एक क्लॉक टावर है तो बिग बैन क्लॉक टावर और लंदन ये सब नाउंस हैं रोहित क्लाइम्ब अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टू रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रोहित फ्लाइट स्टेयर्स टॉप बिल्डिंग ये सब नाउंस है नंबर नाइन एयर रहमान वो द ऑस्कर फॉर द फिल्म स्लम डॉग मिलेर एयर रहमान ऑस्कर फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर ये सभी नाउन्स हैं नंबर टेन अ क्राउड हैज़ ए गैदर्ड आउटसाइड द स्टेडियम तो क्राउड स्टेडियम आउटसाइड ये भी नाउंस है अब इनको आपको नोटबुक में करना है जिन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई करके लिखना है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन देखिए प्रॉपर नाउन के लिए मैंने बता ही दिया था आपको प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल होगा ओके okay? और कॉमन नाउन जो कि जनरल नेम होगा सबके लिए एक जैसा होगा कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स ग्रुप ऑफ थिंग्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सबको क्या कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे तो इन्हें आइडेंटिफाई करके हमें नोटबुक में किस तरह लिखना है वो मैं बता रही हूँ आपको चलिए देखते हैं उन्हें ये देखिए मैंने इस तरह से एक टेबल बना लिया है जिसमें अपने को आइडेंटिफाई करते हुए लिखना है तो फर्स्ट जो सेंटेंस था हमारा शाहबाज एंड शीरज ग्रीटेड ईच अदर ऑन ईद तो इसमें शहबाज शीरज और ईद तीनों ही क्या है प्रॉपर नाउन है तीनों ही फर्स्ट लेटर क्या है तीनों नाउन का कैपिटल है नंबर टू सेंटेंस था हमारा आलोक सा अ फ्लक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई तो आलोक जो है वो प्रॉपर नाउन है बर्ड्स स्काई ये सब क्या है कॉमन नाउन है और फ्लक ये क्या है कलेक्टिव नाउन है ओके नंबर थ्री नीलेश हैज अ क्लास टेस्ट ऑन मंडे तो नीलेश क्या है प्रॉपर नाउन है मंडे प्रॉपर नाउन है टेस्ट जो है वो हमारा कॉमन नाउन है और क्लास ये हमारी कलेक्टिव नाउन है नंबर फोर देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो है प्रॉपर नाउन और टेलीफोन क्या है हमारा कॉमन नाउन है नंबर फाइव एम एस धोनी वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम विच वन द वर्ल्ड कप तो एम एस धोनी जो है वो प्रॉपर नाउन है वर्ल्ड कप भी प्रॉपर नाउन है कैप्टन ये क्या है कॉमन नाउन है और टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है सिक्स नंबर सेंटेंस है हमारा द मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स तो मिल्की वे ये क्या है प्रॉपर नाउन है गैलेक्सी ये कलेक्टिव नाउन है बिलियन्स और स्टार्स ये दोनों ही क्या है कॉमन नाउन है नंबर सेवन बिग बैन इज अ क्लॉक टावर इन लंडन तो बिग बैन प्रॉपर नाउन है लंडन uh, ये भी प्रॉपर नाउन है क्लॉक टावर ये कॉमन नाउन है नंबर एट रोहित क्लाइम्ब अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टू रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रोहित प्रॉपर नाउन है फ्लाइट uh, ये कलेक्टिव नाउन है स्टेयर्स टॉप बिल्डिंग ये तीनों कॉमन नाउन है आपको नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही वर्क करना है आपको पेज नंबर मेंशन करना है और इस तरह से आपको ये पूरा वर्क करना है और इसके ऊपर की जो हैडिंग दी हुई है रेड कलर में वो भी आपको राइट डाउन करनी है ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फिर नंबर नाइन देखिए ए आर रहमान वोन द ऑस्कर फॉर द फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर ए आर रहमान ये पर्टिकुलर नेम है प्रॉपर नाउन है ऑस्कर पर्टिकुलर नेम है प्रॉपर नाउन है स्लम डॉग मिलेनियर ये भी प्रॉपर नाउन है फिल्म जो है वो कॉमन नाउन है नंबर टेन अ क्राउड हैज़ गैदर्ड आउटसाइड द स्टेडियम क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है स्टेडियम और आउटसाइड ये दोनों क्या है कॉमन नाउन है तो आपको इसी तरह से इसी वे में अपनी नोटबुक में इस वर्क को कंप्लीट करना है बुक में पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे जितनी भी नाउनस हैं उनको और फिर आ, अपनी नोटबुक में इन्हें अलग अलग करके लिख देंगे ओके चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं इस इसी पेज के नीचे जो है एक एकसर, दे रखी है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नाउन्स हमें ब्लैंक्स को फिल करना है किससे प्रॉपर नाउन से तो फर्स्ट नंबर देखिए डैश वाज अ फ्रीडम फाइटर फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी का नाम लिखना था हमें जो जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फाइट की थी तो प्रॉपर नाउन आपको पता है किसी पर्सन का एनिमल का और किसी प्लेस का जो है स्पेसिफिक नेम होता है तो भगत सिंह हम यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं भगत सिंह ये क्या है प्रॉपर नाउन है ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नंबर टू डैश इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स कलर्स के फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं होली आपको पता है ये इसका पर्टिकुलर नेम है तो ये प्रॉपर नाउन है नंबर थ्री डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस नंबर फोर पे दिया हुआ है डैश इज माय फेवरेट एक्टर आप अपने किसी भी फेवरेट एक्टर का नाम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं ओके नंबर फाइव वॉचिंग डैश मेड मी क्राई वॉचिंग मैथ्स बुक्स मेड मी क्राई मैथ की बुक्स देखते ही मुझे रोना आ जाता है नंबर uh, सिक्स डैश इज़ माई फेवरेट हिल स्टेशन शिमला इज़ माई फेवरेट हिल स्टेशन नंबर सेवन डैश इज़ माई डैश इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स तो वाराणसी जो है वो टेम्पल्स के लिए फेमस है देखिए ये सब जो नाम मैंने फिल किए हैं वो पर्टिकुलर है ठीक है स्पेसिफिक नेम है तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है नंबर एट बाइबल इज द सेक्रेट बुक ऑफ क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस की जो सेक्रेट बुक है उसका नाम क्या है बाइबल नंबर नाइन माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका बर्थडे जिस भी मंथ में आता है आप उस मंथ का नाम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं आपको पता है नेम ऑफ मंथ जो है वो प्रॉपर नाउन में आते हैं नंबर टेन आई कैन स्पीक डैश एंड डैश मैं बोल सकता हूँ डैश एंड डैश कौन कौन सी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल सकता हूँ ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज बी जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन अब आपको इसमें कलेक्टिव नाउन को फिल करना है रोहन वॉज अटैक्ट बाय डैश ऑफ बीज बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं स्वाम एस डब्ल्यू ए आर एम स्वाम नंबर टू ए डैश ऑफ थीव्स रॉब्ड द बैंक थीव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम गैंग कहते हैं क्या गैंग जी ए एन जी ओके यस नंबर थ्री देखिए अ क्रू ऑफ सेलर्स बोर्डेड द शिप तो सेलर्स के ग्रुप को हम क्या कहते है? हैं क्रू कहते हैं नंबर फोर अक्वायर ऑफ सिंगर्स सेंग द वेलकम सॉन्ग ये क्या है क्वायर सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं क्वायर नंबर फाइव डू नॉट टच दैट शिफ ऑफ पेपर्स पेपर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम शिफ नंबर सिक्स अ डैश ऑफ हॉर्सेज गैलब्ड अक्रॉस द फील्ड हॉर्सेज के ग्रुप को कहते हैं टीम नंबर सेवन अ डैश ऑफ वॉल्स अटैक द रेबिट्स वॉल्स के ग्रुप को कहते हैं पैक पी ए सी के एट नंबर द डैश ऑफ ब फ्लोर्स हैड ब्लॉक्ड द ट्रैफिक हार्ड नंबर नाइन माई फादर यूज द सेट ऑफ टोल्स टू फिक्स द कंप्यूटर नंबर टेन अ ट्रुप ऑफ मॉन्कीज एट ऑल द बनाना फ्रॉम द ट्री तो ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन्स है जो हमने इनमें फिल किए हैं आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें रीड करते हैं सोविक क्राइड आउट इन पेन सोविक जो है दर्द में चिल्ला रहा है उसे दर्द हो रहा है माई सिस्टर नेवर एक्सप्रेसिज हर एंगर मेरी सिस्टर अपना गुस्सा कभी नहीं दिखाती गीता हैज़ ग्रेट सिम्पति फॉर द पुअर गीता के अंदर पुअर्स के लिए गरीबों के लिए बहुत सिंपत्ति है तो देखिए अ नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टस्ट बट कैन ओनली बी फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड इज़ कॉल्ड एन एब्सट नाउन एक नाउन जिसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है सिर्फ उसको फील किया जा सकता है वो कौन सी नाउन होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है इट कैन बी नेम ऑफ़ क्वालिटी एक्शन स्टेट आइडिया और फीलिंग ये क्वालिटी भी हो सकती है एक्शन हो सकता है स्टेट हो सकती है और आइडिया या फीलिंग भी हो सकती है आपको ये जो डेफिनेशन दी गई है इसे आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब देखिए ये जो आपको एक टेबल बना के दी गई है जो एब्सक्ट नाउन्स की टेबल्स है ओके तो इन्हें हम एक बार रीड कर लेते हैं और ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है प्लस लर्न करनी है ओके तो देखिए क्वालिटी काइंडनेस क्लेवरनेस विजडम ब्रेवरी ऑनेस्टी ब्यूटी सॉफ्टनेस ये सब क्या है क्वालिटी है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं देख या छू नहीं सकते हैं एक्शंस कई बार क्या होता है हंसना हंसना हम हंसते हुए इंसान को देख सकते हैं पर हंसी को नहीं देख सकते थेफ्ट चोरी मूवमेंट जजमेंट आर्गूमेंट मैरिज प्रोग्रेस ये सब क्या है एक्शन और इवेंट्स है जो कि एब्सिक नाउंस है स्टेट अवस्था चाइल्डहुड बॉयहुड हेल्थ पॉवर्टी स्लीप स्लै सिकनेस ये सब क्या है हमारी एप्सेंट नाउंस है जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं फीलिंग्स हैप्पीनेस सैडनेस जॉय लव फियर प्लेजर एक्साइटमेंट ये सब क्या है हमारी फीलिंग्स हैं जिन्हें फील किया जा सकता है देखिए हैप्पीनेस को देखा नहीं जा सकता सिर्फ फील किया जा सकता है नेक्स्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट जैसे बिलीफ जस्टिस कल्चर किंगडम ड्रीम इंफॉर्मेशन थाट ये सब क्या है हमारी एप्सिक नाउन है जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं देख या छू नहीं सकते ऐसी नाउन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं टच नहीं कर सकते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं उन्हें हम कौन सी नाउन कहते हैं एप्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं कौन सी नाउन कहते हैं एप्सिक नाउन कहते हैं, हैं। नीचे देखिए फिर एप्सिक नाउन बनाना सिखा रखा है इसमें देखिए कैसे बनाते हैं एप्सिक नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय फ्रॉम एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव से एप्सिक नाउन कैसे बनाई जा सकती है देखिए

तो आज हम ये चैप्टर इतना ही करेंगे आपको जितना भी वर्क करवाया गया है आप अपनी जो बुक में होने वाला है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है वो तो आप बुक में ही करेंगे और नोटबुक में करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सा वर्क आपको नोटबुक में करना है आई होप आपको जितना भी करवाया है वो आपको समझ आया होगा ठीक है एप्सक्ट नाउन क्या होता है जिसे हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते वो नाउन्स क्या होती है नाउन होती है ओके चलिए कल हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे आप मेरे करवाने से पहले एक बार प्लीज़ अपनी एक्सरसाइजेस करके देखना ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए आपके माइंड में और इन वर्क को बहुत अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में आप करोगे और अच्छे से लर्न करोगे ओके थैंक यू